Well, the vision of taking India to 300 MT by 2030 is not going to be met by strategy and courage alone. What will be required will be commensurate funding, for which we are honored to have with us Shri Anandachari from BSE SMEs to enlighten us on the matter of fundraising for this sector. I request Shri Chari to please come up on the mic. And in the view of paucity of time, if we could please complete this in 10 minutes. Thank you. Thank you. Good afternoon to all the distinguished guests today. And I really feel proud and privileged to be here. And thanks to Ministry of Steel for giving us the opportunity to showcase Bombay Stock Exchange SME platform. Sir, 10 minutes bola hua hai, and I could really see most of the people are out. And I could really see some really tired faces who have been listening for long. I will not make much of a presentation. That's the reason I have told them not to show the slides. मैं सिंपल बातों में बताऊंगा सर कि महाभारत के बारे में सभी जानते हैं सर उसमें दो कैरेक्टर हैं स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए दोनों शूरवीर थे वेरी स्ट्रांग वॉरियर्स नाम बता सकते हैं सर क्या है हाँ सर अर्जुन अभिमन्यु सर अभिमन्यु एक कैरेक्टर है जो काफी अल्पायु में मर गए थे और जो अर्जुन थे वो दीर्घायु थे स्टेड लॉन्ग सिंपल रीजन है सर कि हम लोगों ने देखा है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज 143 इयर्स का एग्जिस्टेंस है आज के तारीख में 5067 कंपनियां लिस्टेड है विच हैज क्रिएटेड अ मार्केट कैप ऑफ 150 लाख करोड़ आज जितनी भी कंपनियां आज इंडिया में है वो लिस्ट हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विच स्टार्टेड इन 1875 बिलो ए बैनियन ट्री सो 6 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का प्लेटफॉर्म ये हम समझ रहे थे कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कैपिटल मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेन रीजन बीइंग प्रिडोमिनेंटली दे आर टेक्नोक्रैट्स उसीलिए हमने सोचा है कि जब भी हम जाएं उनके पास उनके लिए दिक्कत ये थी कि डर भाव है पहले से ही कि जितने भी प्रोमोटर से मिले हम लास्ट 1 साल में करीब 2500 से प्रोमोटर से मिला हूँ मैं मोर देन 25 इवेंट्स के थ्रू जब भी हम मिलते हैं तो वो तो बोलते हैं कि हम युधिष्ठिर हैं हम सच बोलते हैं सब कुछ ये है जब तक हम उनकी बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है तो हम भी समझते हैं एज अ रेगुलेटर तो हमने देखा कि हम रीच करने लगे सभी प्रोमोटर को और एसएमई कंपनी को तो वी हैव डन टिल डेट मोर देन 1200 इवेंट्स अक्रॉस इंडिया तो हम लोग को ये समझ में आ गई थी कि वो सामने से नहीं आ पाएंगे जिस तरह रिलायंस हो या एलएनटी हो जितनी भी कंपनी आप लिस्टेड देख रहे हैं मेन बोर्ड में वो कंपनियां सामने से आती थी इट्स टेक 8 to 10 months बट एसएमई केस में यही था कि वो सामने से आ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मिथ्स लॉट ऑफ क्लोजल थिंग्स एज अ फैमिली ओन बिजनेस तो हमने शुरू किया 6 साल पहले मिलने चालू किए हैं करीब 28,000 प्रोमोटर मेरे जो हेड बीएसई एसएमई हेड अजय ठाकुर जी विच स्टार्टेड अलॉन्ग विद आशीष चौहान जी हु इज़ द एमडी एंड सीईओ उनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ है हम लोगों ने देखा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट काफ़ी कम है या नॉलेज कम है तो हम लोग अप्रोच करने लगे उनको समझाना शुरू किया है उसमें हम लोगों ने देखा आज के तारीख में 261 कंपनी लिस्टेड है हमारे पास विच हैज़ क्रिएटेड अ मार्केट कैप ऑफ 20,000 करोड़ उसमें से 52 कंपनीज आर माइग्रेटेड टू द मेन बोर्ड माइग्रेशन 2 साल के बाद आप कर सकते हैं इसमें सिंपल क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा हुआ है कि less than 25 crores of post issue paid capital the company can get listed in SME platform net worth should be positive 3 years ka existence chahiye usme se 2 years aapka positive hona chahiye pbt level pe ebitda level pe teesri cheez humne ne dekha hai ki isme minimum 3 mahina lagta company list hone mein to sabse badi dikkat rahi hai promoter ko ki isme compliance zyada hoga to isme compliance bhi relaxed hai इसमें हम लोगों ने 6 monthly अनऑडिटेड विद लिमिटेड रिव्यू ऑडिट कमेटी के साथ में एक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपकी उस टाइम की एक कॉपी मार्क करनी है दैट इज अ कंप्लायंस पार्ट आज के तारीख में जीएसटी आने के बाद आपने देखा होगा कि सालाना आप ऑडिटेड रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको कॉपी देनी है वो सिमिलर है इसमें मिनिमम इन्वेस्टर्स चाहिए 50 टू गेट द इश्यू सब्सक्राइब मेन बोर्ड में 1,000 है उसमें आपको एबिटा लेवल में अगर आप देखें तो मेन बोर्ड में जाने के लिए 25 करोड़ के ऊपर जो पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल रखते हैं कंपलसरी उनको मेन बोर्ड में जाना पड़ता है वेयर दे रिक्वायर मिनिमम 1,000 इन्वेस्टर्स एंड एटलीस्ट 15 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स का इसमें हम लोगों ने लॉट साइज रखा हुआ जब हमने शुरू किया इसमें लॉट साइज ऐसा है कि अगर आप 10,000 का 10 रुपये का अगर शेयर लेके आते हैं
तो आपका मिनिमम लॉट साइज ऑफ द कंपनी शुड बी 10,000। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी करना चाहता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में 1 लाख का करना चाहता है। मेन रीजन ऑफ कीपिंग अवे द रिटेल इन्वेस्टर्स इज दैट कि जो भी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं जिनकी पोर्टफोलियो बहुत बड़ी है, जो 5% 10% ऑफ द पोर्टफोलियो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टर आगे आए और इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हुए वी वॉन्टेड देम टू इन्वेस्ट इन टू दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट द कंपनी ऑल्सो गेट द मनी फॉर लॉन्ग टर्म, दे कैन टेक रिस्क एंड दे कैन एक्सपैंड एंड दे कैन कम आउट विद अ गुड रिजल्ट एंड दे मेक द मनी एंड प्रॉबली द इन्वेस्टर हुआ इन्वेस्टेड ऑल्सो मेक द मनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर कि दो कैरेक्टर थे महाभारत का, अभिमन्यु एंड दिस अर्जुन। आज के तारीख में हमको चाहिए कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था और उसके बाद बाहर आना नहीं आता था, और अर्जुन को अंदर तोड़ना भी आता था बाहर आना आता था। तो ये सेम सिचुएशन देखते हैं जब प्रमोटर दिखता है तो वो काफ़ी डेट लेने लग जाते हैं, इन्वेस्टर से लेते हैं, खुद का फंड डालते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं उनकी वाइफ के साइड में काफ़ी इन लॉ साइड में काफ़ी स्ट्रांग हैं तो उनसे भी पैसा ले सकते हैं आप, ठीक है। तो वो डालने के बाद हम देखते हैं कि बैलेंस शीट जो है बैलेंस नहीं दिखता है, स्क्वीड टुवर्ड्स डेट ज़्यादा दिख रहा है। तो आज के तारीख में अगर जितने भी बैलेंस शीट हम लोगों ने देखा है तो बैलेंस जो वर्ड है बैलेंस शीट जिसने सोच के इसने बनाया हुआ है वो बैलेंस नहीं दिख रहा, ज़्यादा डेट है। तो हम चाहते हैं कि आप अंदर तो चले गए चक्रव्यूह में डेट लेके, बट इट इज़ कंपलसरी दैट डेट एंड इक्विटी शुड बी देयर, क्योंकि आपका दो लेग है, कैपिटल मार्केट चाहिए आपको, इक्विटी भी डेट भी चाहिए ताकि आप भाग सकें एज ए कंपनी। बट अगर आप देखें कि आपने तो चक्रव्यूह तोड़ना सक लिया और अंदर चले गए हैं, जितना कोलेटरल्स आपने दे दिया, बैंक में फंडिंग ले ली है, आज के तारीख में आपके होकर बोलूँ तो आप बोलते हैं कि जितने प्रमोटर से मिलते हैं वो बोलते हैं हमारी 50 करोड़ की लैंड है, ये फैक्ट्री है, मशीनरी है। जब मैं पूछता हूँ ये आपने मॉर्गेज करके लोन लिया, बोले हाँ। तो हम जब समझते हैं कि बोलते हैं कि यार आपने लोन तो ले लिया तो आपका तो रहा नहीं, तो बाद में बोलते हैं हाँ ये तो सीधी है। तो और उसकी सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्रेडोमिनेंट द प्रमोटर्स वी कुड रियली सी वो कमाई जो कर रहे हैं वो टैक्स भरने के लिए, सेकेंडरी EMI भरने के लिए और थर्ड सैलरी के लिए। तो बचते हुए हम देखते हैं कि प्रॉफिट 5% है, वो बोलते हैं 25 करोड़ पर डाला है। तो मैं बोलता हूँ उनको यार इससे अच्छा 25% आप FD में डाल दीजिए, रादर देन टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क टाइम एंड स्पेंडिंग इट। तो वो समझ में आता है उनको कि यार ये सही बात है कि हमको इक्विटी भी होनी चाहिए। तो हम समझ रहे हैं कि जब तक आप वो ब्रह्मास्त्र जो है जो हमारा अर्जुन के पास था वो इक्विटी है जो आपने छुपा कर रखा, दैट इज द इक्विटी मदर ऑफ ऑल फंड्स, जब तक आप लेके नहीं आएंगे तो ये वॉर जीत नहीं पाएंगे। तो सिंपल है कि आज के तारीख में आपका बैलेंस शीट भले ही जितना स्ट्रांग हो उसको ग्रोथ दिखना चाहिए तभी इन्वेस्टर आता है। जो भी पैसे आज मार्केट में डालते हैं वो इन्वेस्टमेंट डालते ही पैसे वो देखता है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो उसको अगर रिटर्न देना है, आपको ग्रोथ देना है, तो बॉटम लाइन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो ब्रह्मास्त्र है आपका इक्विटी है जो आपने निकाला नहीं है। प्रिडोमिनेंटली वी कुड रियली सी द प्रोमोटर्स को जब पूछते हैं आपने इंसेप्शन से सर्टिफिकेट देखा, वो बोलते हैं कभी नहीं देखा, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। जब हम बोलते हैं कि 25% डायल्यूट करना पड़ता है तब वो सोचते हैं अरे डायल्यूट 25% करना पड़ेगा। तो हम समझ जाते हैं कि सर 25 साल से 20 साल से तो आपने सर्टिफिकेट देखा नहीं, कहाँ से आपके पास ये मोह आ गया सडनली, जब तक तो आपने उसको देखा ही नहीं है। यू हैव नेवर सीन दैट सर्टिफिकेट, सडनली व्हेन आई टोल्ड यू टू डायल्यूट 25% एज पर द SEBI लॉ, आप बोल रहे हैं कि अरे 25%। तो हम ये समझ में आने के लिए वी हैव सीन केसेस लाइक उसमें 3 महीना भी लगे हैं किसी को समझाने में, 6 महीने लगे हैं। वी हैव सीन एग्जाम्पल दैट आई स्पोक टू द यंगर जनरेशन, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने बोला सर आप डैड को बताइए, इट टुक 2 मंथ्स फॉर देम टू गेट इट अंडरस्टैंड, देन उन्होंने बोला 2 महीना हो गया आपने समझ लिया, डैड ने भी समझ लिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है। वी कुड रियली सी दैट द ताऊ ऑफ द फैमिली इज नॉट अंडरस्टूड, वी वेंट एंड एक्सप्लेन देम, देन दे सेड वी अग्रीड, 4 मंथ्स पास, देन वी सेड यार वी डिडंट कम, आई डिडंट सी दैट कंपनी गेटिंग लिस्टेड। तो सर हम तीनों समझ चुके हैं बट एक साथ में हम समझ नहीं पा रहे हैं, दैट हैज बीन द सिनेरियो। सो वी ब्रेनस्टॉर्मड, वी स्पेंड सो मच मनी, द कंपनी गॉट लिस्टेड, द कंपनी कॉल बेला कासा वॉज द कंपनी, जयपुर बेस्ड कंपनी है सर। आवर इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस प्लेटफॉर्म इज दैट जॉब क्रिएशन इसमें ज़्यादा हो, क्योंकि काफ़ी ऑटोमेशन हो रही है। इस कंपनी का तब स्टार्ट हुआ था करीब 10 करोड़ का टर्नओवर रहा होगा, करीब करीब 600 लोग काम करते थे, आज 3,500 लोग काम कर रहे हैं विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो जब लिस्ट की थी उस टाइम पर स्टॉक वैल्यू वुड हैव बीन समवेयर 30 रुपीज, जब करीब 30 रुपीज 6 महीने तक वो आके पूछे अरे कुछ हो नहीं रहा है क्या, हमने लिस्टिंग किया गलत किया, जब 90 रुपये बना काफ़ी इन्वेस्टर आए, आज करीब 180 to 200 रुपीज़ का भाव है। तो हम लोग यही समझाते हैं प्रोमोटर को, जितने भी यहाँ बैठे हैं, वी विल वेलकम ऑल द प्रोमोटर्स हुआ देयर इन टू द स्टील इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री विच इज़ कनेक्टेड, इट्स अ रेड कार्पेट वेलकम फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME प्लेटफॉर्म फ्रॉम मी एंड एस एस एल एस अजय ठाकुर जी हु इज़ द BSE SME एंड आशीष चौहान जी एस MD।
हम चाहते हैं कि जितने तक आप रेगुलेटरी फ्रेम में काम करते हैं, विल ट्राई टू हैंड होल्ड यू द थिंग्स बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज. 261 कंपनियां आज आप बात भी करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड, यू कैन सी द साइट bsasme.com, जहां से आपको पता चलेगा आपको कोई फ्रेंड्स एंड सर्कल और रिलेटेड इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं या लिस्टेड हैं, उनके साथ आप बात करना चाहते हैं, वी कैन मेक दम टॉक. वी वॉन्ट यू टू कम फॉरवर्ड बिकॉज ये बैटल आप अकेले जीत नहीं सकते हैं विद डेट. इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है. जो ब्रह्मास्त्र आपने छुपा के रखा हुआ है वो जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे ये वॉर जीतना मुश्किल है. क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि अभी टेक्निकल ग्लिच था, सभी लोग भाग रहे थे, जब अपने पास प्रॉब्लम आती है तब आप भागेंगे, उस टाइम पर पास अस्त्र नहीं रहेगा, दिक्कत होनी चाहिए, 100% होगा आपके पास. तो इसलिए हम चाहते हैं कि इक्विटी अगर आप क्रिएट करके रखते हैं, अगर आगे जाके आपको लग रहा है कि हमारे पास कोलैटरल नहीं है लोन लेने के लिए, यू कैन यूज दिस एज ए कोलैटरल. सेकेंडरी ऑप्शन है कि जब आप जुड़ते हैं स्टॉक मार्केट से, लॉट ऑफ विजिबिलिटी इज देयर फॉर द कंपनी. जो आज के तारीख में जो कस्टमर्स हैं उससे ज्यादा कस्टमर्स और इन्वेस्टर जुड़ते हैं, सेकेंड बेनिफिट. थर्ड इज देयर कि MSSME और SME कंपनी में उन्होंने देखा है काफी अच्छे टैलेंट आना चाहते हैं बट सैलरी दे नहीं पाते हैं. सो यू कैन यूज दिस एज अ स्टॉक ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉय हु वांट टू जॉइन अस, मे बी कैन एट अ मिनिमल सैलरी एंड यू कैन अट्रैक्ट देम सो दैट दे कैन स्टे लॉन्ग विथ यू फॉर द लॉन्गर पीरियड. तो आपके लिए भी कंपनी ग्रोथ के लिए वो काम आते हैं क्योंकि लॉन्गर पीरियड में कंपनी है और एम्प्लॉय भी जुड़ रहे हैं, तो एक और चीज़ है. थर्ड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर आज के तारीख में बैंक्स भी अगर देखते हैं लिस्टेड स्पेस में तो दे ऑल्सो नो दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बिकॉज इसमें कंपलसरी आपको CS रखना है, एक ICDR गाइडलाइन के हिसाब से आपका एक फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें देखते हुए कंपनी के ऊपर पैसा डालता है जो इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, तो वो हिसाब से भी आपके लिए अच्छा है कि काफ़ी इन्वेस्टर जुड़ते हैं. तो काफ़ी लोग बड़े इन्वेस्टर्स भी जुड़ते हैं जो चाहते हैं कि कंपनी ग्रो, वो भी काफ़ी ऑर्डर बुक्स भी लेके आते हैं क्योंकि उन लोगों को भी चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया अब ये कंपनी अच्छी करेगी मुझे भी मुनाफा होगा. तो काफ़ी नए लोग भी आप जुड़ते हैं इससे, ठीक है सर. तो कंप्लाइंस पार्ट रहा, 6 महीने में आपको एक बार अनऑडिटेड कॉपी देना है, ईयरली आपको ऑडिटेड. जब आप माइग्रेट करते हैं 2 ईयर्स के बाद, जब आपका पोस्ट इशू पेड कैपिटल 10 करोड़ हो जाता है, आप माइग्रेट कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने नया रेगुलेशन लाया है जहाँ पे कि 25 करोड़ पोस्ट इशू हो जाता है बिलो 2 ईयर्स. अगर हम देखते हैं कि अगर कंपनियां हैं एक्सपेंशन के लिए जा रही हैं, एक्विजिशन के लिए जा रही हैं और PBT लेवल पे 10 करोड़ कंसिस्टेंटली 2 ईयर्स है, दे कैन माइग्रेट विद इन 2 ईयर्स ऑल्सो. तो एक और ऑप्शन है कंपनी के लिए. और मैं यही चाहूँगा सर कि चाइनीज बैम्बू स्टोरी अगर आपने सुना होगा तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 ईयर्स पानी देना पड़ता है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस. तो मैं चाहूँगा कि 2 साल हमको टाइम दीजिए इनटू द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम आपको बता देंगे किस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, किस तरह AGM करना है, ताकि अब जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब चाइनीज बैम्बू 5 साल तक एक दाना भी निकल नहीं पाता, लास्ट का 6 महीने में 5.5 साल में सडनली 90 फीट तक प्लांट हो जाता है. मेन रीजन है कि 5 साल तक जब तक आप वाटरिंग कर रहे हैं तब तक उसका रूट इतना स्ट्रांग कर लेता है ताकि जब वो 6 महीने में 90 फुट बनता है तो स्ट्रांग रहने के लिए, विदस्टैंड करने के लिए वो टाइम लगता है. बट आप ओवरऑल ग्रोथ देखें आपको लगेगा कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में हुआ है. कॉन्सेप्ट यही है कि वो 2 साल जो प्लेटफॉर्म में गुजारते हैं तब तक आप समझ जाते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कंप्लाइंसेस क्या है, किस तरह आपको AGM बुलाना है. ये प्लेटफॉर्म उसके लिए आपको हेल्प करती है. तो विद दैट आई थिंक आई thank all of you for listening to me patiently with this time whatever given to me I could really explain. And we have an office in Rajendra Place. Probably you can go to the site called bsasme.com, my name is there. If at all you want the presentation which I probably would have shown you for 40 slides and showcased a lot of companies also, but aap dekhna chahte hain to main email karna chahunga. Mera email id bhi anand.chari@bsaindia.com hai. Please welcome to BSE Bombay Stock Exchange SME platform to all the promoters. Thanks a lot. Thank you.